मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं तलाश, एक ऐसी खबर, ऐसी सनसनी जो रिश्ते को शर्मसार कर दे। नेवडा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की 52 साल के पति की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। नेवडा पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई एक हत्या के मामले में खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। आइए जानते हैं तलाश पर आखिर क्यों। पुलिस ने खुलासा किया है कि अवैध संबंधों के चलते कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। नेवडा पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई एक हत्या के मामले में खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। फिलहाल क्यों और किस लिए, फिलहाल तलाश आगे तलाश जारी है। पुलिस ने खुलासा किया है कि अवैध संबंधों के चलते कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि 6 मई को नेवडा ककराला इलाके में 52 साल के संतराम की उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी। कत्ल के बाद मृतक की पत्नी ने शोर मचाया और ये जानने की कोशिश की कि उसके घर में बदमाशों ने धावा बोल दिया है। ये महिलाओं की कला और चिड़िया चरित्र है। आइए जानते हैं फिर आगे क्या हुआ तलाश पे। और पति का कत्ल कर दिया। नेवडा के डीसीपी हरिश्चंद ने कत्ल के सनसनीखेज मामले में खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी सुशीला के मनोज नाम के शख्स से संबंध थे। संतराम को मनोज और सुशीला के नाजायज संबंधों की जानकारी मिली थी। एक बार उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद से संतराम सुशीला के साथ मारपीट करता था। इस बात से नाराज सुशीला ने मनोज, आकाश और राजेश के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। यह है इनकी बीवियों की घटना। ऐसी बीवी जो चुड़ैल, डायन, शैतान कहा जाए तो कम है। घटना वाले दिन आरोपियों ने संतराम के घर का दरवाजा खटखटाया और सुशीला ने दरवाजा खोल दिया। इन लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसका सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में सुशीला और उसके प्रेमी मनोज, आकाश और राजेश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी मिली कि संतराम ने 16 साल पहले सुशीला से शादी की थी। देखिए 16 साल हो गए इनके शादी के लिए। इस परिवार में सुशीला और संतराम के 5 बच्चे भी हैं। उसकी बड़ी बेटी की उम्र करीब 32 साल है। सोचिए इस उम्र में ये सब घटना का अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो तलाश पे हम सभी दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ, इस उम्र में आखिर कौन सी ऐसी कमी थी और क्यों ऐसे वारदात दिया गया। फिलहाल ऐसे औरतों को क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, आप देख रहे हैं तलाश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन करना ना भूलें। नमस्कार।